गोल्डन पल क्रीम है, इसमें एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है, ठीक है? आप हमें बताएं इसमें कौन सी ओरिजिनल है कौन सी कॉपी है। अंदर नहीं, नहीं वो क्री है, क्रीम ही है, हम क्या डालेंगे। क्रीम एक चेक तो करें ना, आप चेक करें, दोनों दोनों खोल के चेक करें आप। देखे ना, सही बताया तू, ये 1000 रुपए का नाम भी है, अगर आप चेक करें कौन सी इसमें असली और कौन सी नकली है, देख ले। तो आज मैं मार्केट में खड़ा हुआ गोल्डन पर्ल क्रीम लेके, इसमें एक मेरे पास जो है ओरिजिनल है और एक है कॉपी। मार्केट में हम जानेंगे, बाजार में मैं खड़ा हूँ, लोगों से रेंडमली पूछेंगे कौन सी इसमें ओरिजिनल और कौन सी फेक है, देखते हैं वो जज कर पाते हैं या नहीं करते। आप ये देखिए बिल्कुल हूबहू सेम लग रही है, लेकिन इसमें एक ओरिजिनल है और एक फेक है। तो चलते हैं आज की हमारी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम, क्या नाम है आपका? बशीर। मुबशीर, मुबशीर भाई, गोल्डन पल क्रीम है ये देखें, ठीक है, जानते होंगे इसमें एक ओरिजिनल है और एक कॉपी है, ठीक है? आप हमें बताएं इसमें कौन सी ओरिजिनल है कौन सी कॉपी है। वैसे तो दोनों ही, लेकिन ये ओरिजिनल लग रहा है। ये कैसे आपको लगा ओरिजिनल है सर? क्योंकि ये देखें इसकी, ये कलर वाइज भी है और लुक देखें ना इसकी, ये नजर आ रही है जैसे कि ये ओरिजिनल है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको आपने ना जज नहीं कर पाए, निशानी लगाई है कि हल्की से हमने यहां से पढ़ी की है कि हमें पता चले हमें भी, हम भी नहीं पहचान सकते। लेकिन वो देखें आप यहां से खुद जज करें ना, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। देखो हूबो सेम है, कोई फर्क ही नहीं आ रहा। नाम आपका क्या है? निशान। निशान भी, ये गोल्डन पल क्रीम है, ठीक है, जानते होंगे आप क्रीम, बड़ी मशहूर क्रीम है, ठीक है, हर घर में तकरीबन इस्तेमाल होती है। तो इसमें एक क्रीम जो है ओरिजिनल है और एक जो है फेक, यानी कि जाली क्रीम है। जो आप ये देख के बताएंगे कौन सी ओरिजिनल और कौन सी जाली है इसमें, एक मिनट में अंदर आप बता सकते हैं। खोल के चेक कर लें, तुक्का लगा लें कोई, आप खोल के चेक देखे तो सही। अंदर नहीं नहीं वो क्रीम है, क्रीम ही है, हम क्या डालेंगे। आप क्रीम एक चेक तो करें ना, आप चेक करें, दोनों दोनों खोल के चेक करें आप। इसमें आप आपके ख्याल में कौन सी ओरिजिनल है और इसमें कौन सी आपको नकली लग रही है? खुशबू से देख के बता दूंगा ना, पता लगे, चेक कर लेना। खोल, ये भी खोल लें, डर क्यों रहे हैं भाई, नहीं कुछ साम निकल आता इसमें यार। सेम चीज नहीं है, है तो मैं आपको क्या बोला, दोनों सेम चीज है, ठीक है, इसमें एक असली है और एक नकली है। ये असली है। कौन सी? ये वाली। नहीं भाई, हमने ये निशानी लगाई हुई थी कौन सी इसमें ओरिजिनल है और कौन सी फेक है, ठीक है, तो आप जज नहीं कर सके। भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। यासीन, यासीन भाई इसमें जरा हमें बताएं देख के कौन सी इसमें असली है और कौन सी नकली है, एक इसमें असली है और एक नकली है। ये वाला कौन सा? ये जो आपने ये निकाला है, ये वाला दिखाएं जरा। अच्छा ये मुझे बताएं, आपने ये तुक्का लगाया, ये बिल्कुल आपने पहचाना है, किस तरह आपको पता चला ये असली है? डब्बी से पहचाना। डब्बी कैसे, क्या फर्क आपको फील हुआ ऐसा? ये रंग कैसे, कलर से, कलर प्रिंटिंग वजह से आपने पकड़ा है, ठीक है। क्या हाल है भाई आपका? शुक्र है। ये नाम क्या आपका? इजाज खान। इजाज, इजाज भाई ये गोल्डन कलर क्रीम का पता होगा आपको, ठीक है, ये एक इसमें ओरिजिनल है और एक नकल है, ठीक है, इसमें आपने देख के बताना है कौन सी असली और कौन सी नकली है। देखे ना, मिलेगा सही बताया तू, ये लो जी 1000 रुपए का नाम भी है, अगर आप चेक करें कौन सी इसमें असली और कौन सी नकली है। दो एक असल है, एक नकल है, हम आपको बताएंगे। देखिए जी आप देख लें, असल आ गए, खोल के भी, खोल भी लें, खोल के देख सकते हैं आप। ये ओरिजिनल, ये ओरिजिनल है और वो दिखाएं वो वाली, गलत बता रही है भाई ये। वैसे आपने क्या जज करके देखा कि क्या इसमें ओरिजिनल है? ये वाला, वो वाली देख, ये वाली, ये चीज दूसरी में भी है, ये देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ, हमने निशानी लगाई हुई थी हल्की सी, ये डब्बी फाड़ी है, सेम ही है तकरीबन, हल्की सी हमने डब्बी फाड़ी थी कि ओरिजिनल के लिए, मैं पता चले हमें भी नहीं पता चल सका था। अब मार्केट में आप कोई भी चीज लेने जाते हो, हमने वीडियो बनाने का मकसद भी यही है
कि आप मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हो, इसकी जो कोई भी चीज़ हो उसकी ऐसी वो कॉपी मार्केट लोग तैयार करके देते हैं, आपको नहीं पता चल सकता कौन सी आप असल लेके आ रहे हो, कौन सी नकल ले आ रहे हो। पैसों का जया अब ये मुंह पे लगाने के लिए लोग जो औरतें घर में इस्तेमाल करती हैं, मुंह पे मुंह खराब वगैरह हो जाता है, पैसे पे जया हर चीज़ से जया होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अवेयरनेस हो पब्लिक में, पता चले कि इसमें आजकल मार्केट में कितनी जो है जाली चीज़ें आ रही है। सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने का।